हेलो दोस्तों, ड्रिप इरिगेशन और स्प्रिंकलर इरिगेशन के बारे में आपको पता ही होगा, जो अभी मॉडर्न एग्रीकल्चर एक्टिविटी में जुड़े हुए हैं, लाइक पॉली हाउस फार्मिंग। नहीं तो जो एडवांस जो एग्रीकल्चर एक्टिविटीज, उन लोगों को पता है कि कैसे ड्रिप इरिगेशन और स्प्रिंकलर इरिगेशन यूज किया जाता है। ये दो टाइप का सिंचाई का जो प्रोसेस है, स्पेशली इसराइल से शुरू हुआ और धीरे धीरे इंडिया में भी ये प्रोसेस एडॉप्ट किया जा रहा है। ड्रिप एंड स्प्रिंकलर में क्या हो रहा होता है कि बहुत कम पानी में आपका जो फसल है उसका सिंचाई आप कर सकते हैं। स्पेशली जो पॉली हाउस फार्मिंग है, उसमें जो ड्रिप इरिगेशन और स्प्रिंकलर इरिगेशन की बहुत ही यूज किया जाता है। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप कनाडा बैंक से लोन लेके ड्रिप एंड स्प्रिंकलर इरिगेशन का जो इक्विपमेंट है वो आप खरीद सकते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर आप नया है मेरे चैनल पे तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। मैं रेगुलर बेसिस पे फाइनेंशियल टॉपिक पे वीडियो अपलोड करता हूं, जो आपको डे टू डे फाइनेंशियल डिसीजन लेने में हेल्प करेगा। तो चलिए दोस्तों, अब शुरू करते हैं। दोस्तों, ये जो दोनों प्रोसेस है, ड्रिप एंड स्प्रिंकलर, अगर आप उसको आप एडॉप्ट करेंगे आपका जो डेली का खेती है उसमें, तो आपका फसल का ग्रोथ बहुत ज्यादा हो जाएगा, आपको पानी भी बहुत कम लगेगा। आज क्या हो रहा है कि स्पेशली फ्रॉम वेस्टर्न एंड साउथर्न पार्ट, जहाँ पर ड्रॉट की वजह से बहुत सारे टाइम में लोगों को फसल उगा नहीं पाते हैं, पानी नहीं होता है, लेकिन ये दो टाइप का जो प्रोसेस है इरिग्रेशन का, इसको अगर हम लोग एडॉप्ट करेंगे इसराइल का जो प्रोसेस है, उससे क्या होगा कि ये कम पानी में भी हम फसल उगा सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, अगर आप ड्रिप इरिगेशन यूज कर रहे हैं तो जो फर्टिलाइजर होता है ना, वो पानी के थ्रू से एकदम रूट में पहुंचता है, इसीलिए बहुत कम फर्टिलाइजर की जरूरत पड़ता है। और एज बिकॉज डायरेक्टली रूट पे पहुंचता है, जो फसल का जो जो उत्पादन है वो भी बहुत बढ़ जाता है। दोस्तों, कनाडा बैंक में अगर आप ड्रिप इरिगेशन के लिए लोन लेना चाहते हैं, तो उसके लिए जो प्रेशर रेगुलेटर है, पाम्प सेट है, फिल्टर है, ड्रिपर है, और इसके अलावा जो फर्टिलाइजर मिक्सर है, ये टाइप का चीज खरीदने के लिए कनाडा बैंक आपको लोन देता है। टोटली ये लोन टर्म लोन होता है। ठीक है, फिर से मैं रिपीट करता हूं, फॉर ड्रिप इरिगेशन आप ड्रिपर के लिए ले सकते हैं, प्रेशर रेगुलेटर, फिल्टर्स और अदर एक्सेसरीज जो भी होगा, इसके अलावा फर्टिलाइजर मिक्सर, ये सब के लिए आपको कनाडा बैंक लोन देगा। अगर आप स्प्रिंकलर इरिगेशन के लिए ले रहे हैं, स्प्रिंकलर इरिगेशन में क्या होता है कि एक जगह से पूरा पानी स्प्रे करके एक बड़ा एरिया में ये पानी दिया जाता है, तो स्प्रिंकलर इरिगेशन का पूरा जो सेट है वो भी आप टर्म लोन लेके खरीद सकते हैं कनाडा बैंक से। ये लोन के लिए आपके पास लैंड होना जरूरी है। अगर आप लीज पे ले रहे हैं तो बहुत सारे केसेस में कनाडा बैंक ये लोन डिक्लाइन कर देता है, तो जो लैंड पे आप करना चाहते हैं वो लैंड आपके नाम पे होना चाहिए और आपके पास इनाफ नॉलेज होना चाहिए जो जो प्रोसेस आप कर रहे हैं उनके बारे में। अगर आपको पता नहीं है, आप लोकल जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है वहां से जाके ट्रेनिंग ले सकते हैं, नहीं तो वो एग्रीकल्चर कॉलेज है वहां पे भी जाके थोड़ा कुछ क्रैश कोर्स कर सकते हैं इसके बारे में, लेकिन थोड़ा नॉलेज बैंक मांगता है अगर आप ड्रिप नहीं तो स्प्रिंकलर इरिगेशन यूज कर रहे हैं। तो मार्जिन में अब बताना चाहूंगा, अगर 1 लाख तक लोन हुआ तो कोई मार्जिन नहीं है, मतलब इंटर जितना भी कॉस्टिंग है 1 लाख तक बैंक फाइनेंस कर देगा। अगर 1 लाख के ऊपर लोन हुआ तो आपको 15 से 25% तक मार्जिन देना पड़ सकता है। ये 15 से 25% का जो डिसाइड वो बैंक डिसाइड करता है केस टू केस बेसिस। तो अगर आपका क्रेडेंशियल अच्छा हुआ, आपका बैकग्राउंड अच्छा हुआ, तो बैंक 15% मार्जिन में भी आपको लोन दे देगा। सिक्योरिटी में 1 लाख तक कोई सिक्योरिटी नहीं लगेगा आपको लिए, लेकिन 1 लाख के ऊपर हुआ तो आपको कोई मॉर्गेज रखना पड़ेगा, आपको कोई रेसिडेंशियल प्लॉट। दोस्तों, ये लोन बहुत लंबा टाइम के लिए दिया जाता है, बहुत इजीली आपको मिल जाएगा 10 से 15 साल के लिए, और हाफ ईयरली नहीं तो एनुअली रिपेमेंट आप कर सकते हैं। एकदम से 10 से 15 साल तक टाइम आपको मिलेगा ये लोन को रिपेमेंट करने के लिए, और ये आप 6 महीने में एक बार नहीं तो साल में एक बार करके आप शोध कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट में कुछ भी नहीं चाहिए, आधार कार्ड, पैन कार्ड चाहिए। अगर आपका पास्ट कोई रिकॉर्ड रहा एग्रीकल्चर में, स्पेशली केसीसी टाइप का कोई लोन अगर लिए हैं कनाडा बैंक से, तो वो अच्छा काम में आता है अगर ये लोन सैंक्शन करने में। आप बैंक में जाके एप्लीकेशन फॉर्म ले सकते हैं, इसके अलावा आधार कार्ड, पैन कार्ड, फोटो लगेगा। ठीक
ठीक है। और आप जो माल खरीदना चाहते हैं स्प्रिंकलर नहीं तो ड्रिप, उसका कोटेशन आपको देना पड़ेगा, ठीक है। बैंक इसके बाद आपका सिविल चेक करेगा, अगर आप कोई डिफॉल्ट निकला तो बैंक वो लोन डिक्लाइन कर सकते हैं। बहुत सारे केसेस में बैंक जो आसपास का जो और बैंक है वहां से नो ड्यू सर्टिफिकेट भी मांगता है, अगर हुआ तो बैंक को थोड़ा हेल्प कर दीजिएगा, जल्दी से उसको मिल जाए। अगर सब कुछ ठीक निकला और अगर 1 लाख के ऊपर ले रहे हैं तो मॉर्गेज का जो पेपर है लाइक डीड रिकॉर्ड, म्यूटेशन का कॉपी, ठीक है, आपका बिल्डिंग का प्लान, ये सब भी देना पड़ेगा। वो सर्चिंग करवाएगा बैंक और सर्चिंग के लिए कुछ पैसा भी लगेगा वकील को देने के लिए। अगर सर्चिंग में सही निकला और आपका कोटेशन ठीक निकला तो बैंक डायरेक्टली वो पैसा जिस कंपनी के पास से आप वो खरीद रहे हैं डायरेक्टली उस कंपनी को पेमेंट कर देगा, ठीक है, और उसके बाद ये माल डिलीवरी हो जाएगा। दोस्तों 10 से 15 साल आपको मिल रहा है तो आप इजीली इसको रिपे कर सकते हैं, एंड ये जो मॉडर्न एजुकेशन टेक्निक है उसको यूज करके अच्छा खासा पैसा भी आप कमा सकते हैं। तो दोस्तों होप आज जो आपको मैं इन्फॉर्मेशन दिया ड्रिप एंड स्प्रिंकलर इरीगेशन लोन के बारे में, ये आपको हेल्प करेगा अगर ये टेक्निक एडॉप्ट करना चाहे तो। अगर और कुछ आप जानना चाहते हैं इनके बारे में तो प्लीज कमेंट में लिखिए। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर आप नया है मेरे चैनल पे तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू एंड बाय बाय।